गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन टीचिंग फिफ्थ ग्रेड. टुडे वी विल स्टार्ट अवर ईवीएस बुक फर्स्ट लेसन द ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ. आपको इस बार ईवीएस की एसएसटी की न्यू बुक लगाई गई है. एसएसटी मीन सामाजिक शिक्षा. इसकी न्यू बुक लगाई गई है अवर लैंड अवर वर्ल्ड. सो आज हम इसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट लेसन ऑफ एसएसटी द ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या होता है? अर्थ का एक मॉडल बनाया गया, अर्थ का एक, उसमें पूरी अर्थ को शो किया गया है. ग्लोब में ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, इसमें क्या है, अर्थ की पूरी पिक्चर शो की गई है ग्लोब में. आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग, लिसन केयरफुली. लाइक सन एंड द मून अवर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. जैसे कि सन और मून की तरह हमारी अर्थ भी गोलाकार है शेप में. स्फेरिकल मीन गोलाकार. बिफोर द अपोलो फ्लाइट्स ऑफ द टू द मून मैन हैड नेवर सीन द होल अर्थ एट ए ग्लांस. द अर्थ लुक्स लाइक ए ब्लू लाइटेड बॉल एज सीन फ्रॉम द मून. यदि अगर हम इसको ऊपर से देखें अर्थ को मून से, तो जो हमें कैसी लगती है, ब्लू, नीली दिखती है, नीले रंग की. बट इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एट द बॉटम लाइक एन ओरेंज. कहते ऊपर से तो ये फ्लैट है, समतल है, पर नीचे से देखा जाए बॉटम पार्ट तो ये कैसे दिखती है, ऑरेंज की तरह दिखाई देती है हमें. द अर्थ सीम्स वेरी बिग टू अर्थ. अर्थ क्या है, बहुत बड़ी है. बट इट्स जस्ट वन स्मॉल प्लैनेट, ए ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स कॉल्ड द सोलर सिस्टम. देखने को तो हमें अर्थ बहुत बड़ी लगती है, पर है क्या, ये एक जस्ट एक ग्रह है इसका, सोलर सिस्टम का. सोलर सिस्टम इन सौर मंडल, जिसमें क्या 8 प्लैनेट्स है, 8 ग्रह, उसी में से हमारी एक अर्थ है, अर्थ प्लैनेट है, जिसपे क्या है हम सभी रहते हैं. अर्थ इज द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. लुक एट द पिक्चर, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स दिखाए गए हैं. सबसे फर्स्ट क्या आता है हमारा, सन, मरकरी, सन, वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. देर आर 8 प्लैनेट्स पार्ट ऑफ अ सन. इसमें सन है, सन से ही है ये सभी, क्या है 8 प्लैनेट्स है. इसको क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम इन सौर मंडल. इसी में से क्या एक हमारी अर्थ है, जहाँ पे हम रहते हैं. इट्स अ ब्लू कलर, थर्ड नंबर पे. Planets are not burning ball of gases like a star or the sun. The planets move around the sun in different defined path. ग्रह planets mean होता है ग्रह. ये क्या करते हैं, सन के, सूरज के आले द्वाले अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं. और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं. जहाँ क्या है, राउंड लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में ये जाते हैं. सभी क्या करते हैं, अर्थ के राउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं. द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज. अर्थ की शेप कैसी है, ऑरेंज की तरह. और इस पे क्या है, कॉन्टिनेंट्स मीन महाद्वीप. महाद्वीप है इसमें, कंट्रीज, देश एंड सिटीज ऑन इट्स सरफेस, और सिटीज शो की गई है. देर आर प्लेन्स, प्लेन्स भी है, समतल एरिया भी, माउंटेन्स, पहाड़, वैलीज, रिवर्स, ओशन, सभी है इसमें. पहाड़, प्लेन एरिया, मैदान, नदियाँ, महासागर, ओशन, सभी क्या है, अर्थ पे है. ग्रेट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव देयर. और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे और एनिमल्स भी कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं. वी कैन नॉट विजिट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ टू स्टडी एंड नोन अबाउट इट. अगर हम कहते हैं कभी भी हम पूरी अर्थ के प्लेसेस नहीं देख सकते, सभी प्लेसेस. फॉर देयर फॉर ए मॉडल ऑफ द अर्थ इज यूज फॉर स्टडी. अगर हमने कुछ पढ़ना और स्टडी के सभी अर्थ के सभी प्लेसेस के बारे में, हम तो बाहर नहीं जा सकते. इसीलिए क्या बनाया गया है, ग्लोब बनाया गया अर्थ का मॉडल, जिसपे क्या है हम पूरी अर्थ को देख सकते हैं कि कौन सा प्लेसेस कहाँ पर है. ग्लोब इज ए स्मॉल स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ. इट शो कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटी, रिवर्स एंड मोशन. ग्लोब क्या है, एक अर्थ का छोटा सा मॉडल है, गोलाकार, जिसमें क्या है डिफरेंट, जिसमें क्या है महाद्वीप शो किए गए हैं, देश शो किए गए हैं, सिटीज, रिवर्स, ओशन, महासागर, सभी दिखाए गए हैं. और इस पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की बाउंड्रीज शो की गई है. बाउंड्रीज मीन उनकी सीमाएं, मीन कौन सी कंट्री कहाँ पर खत्म होती है
उसकी क्या है सीमा शो की है कि जहाँ पे इस कंट्री का इतना ही इसकी लिमिट है, इससे आगे नहीं जा सकती। सो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की बाउंड्रीज शो की गई है। और देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स इन ऑल, हमारे पूरे अर्थ पे कितने महाद्वीप है, सेवन, जिसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज रहती हैं, डिवाइड की गई है। लाइक नॉर्थ अमेरिका मीन उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हम कहाँ रहते हैं, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में। कहाँ रहते हैं हम, एशिया कॉन्टिनेंट्स में। लार्ज बॉडीज ऑफ वॉटर आर नोन एज ओशन, और जिस जहाँ पर बहुत ज्यादा वॉटर होता है उस प्लेसेस को क्या बोलते हैं हम, ओशन मीन महासागर। और कितने महासागर है पूरे अर्थ पे, फोर, पैसिफिक ओशन मीन शांत महासागर, देन अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम क्या है, एक कंट्री पे रखा गया है, मीन्स हमारे इंडिया पे इसका नाम रखा गया इंडियन ओशन। और इनको क्या है हम इजिली क्या है, इनको हम ग्लोब पे फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर दी गई है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल मीन उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल मीन दक्षिण ध्रुव। नॉर्थ पोल क्या है, ग्लोब के ऊपर है, देन साउथ पोल क्या होता है, नीचे होता है। और इस पे क्या है हमें कॉन्टिनेंट शो की गई है, ओशन शो किए गए, इक्वेटर शो किए गए। इक्वेटर क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे आपको, सो लिसन केयरफुली। द नॉर्थ पोल इज द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इन द टॉप ऑफ द ग्लोब। साउथ पोल, जैसे कि नॉर्थ पोल ऊपर होता है टॉप पे और साउथ पोल नीचे होता है। द अर्थ रोटेट ऑन इस एक्सिस, अर्थ क्या है अपने आले दुआले घूमती है अपने ही ऑर्बिट में। एक्सिस इज द रियल इमेजिनरी पाथ। एट एनी टाइम वी कैन सी ओनली पार्ट ऑफ द ग्लोब, वी टर्न द ग्लोब ऑन इट्स एक्सिस टू सी द अदर पार्ट्स। हमने अभी कभी, हमने जिस भी अर्थ का कोई भी पार्ट, हमने अर्थ का कोई भी पार्ट देखना हो तो हम ग्लोब के क्या किसी भी तरफ क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, उसको टर्न कर सकते हैं। और इस पे क्या होती है, ग्लोब पे सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर लाइन्स होती है, मीन वृत्ताकार और अर्ध गोलाकार लाइन्स होती है ग्लोब पे। और ये क्या हम इमेजिनरी ड्रा की होती है लोग स्टडी करने के लिए, लोकेशन शो करने के लिए। ए सर्कल इज ड्रॉन एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन टू पोल्स, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। और जो कहते हैं एक सर्कल होता है, सर्कल इज ड्रॉन एग्जैक्टली इन द मिडल लाइन। और कहते हैं एक सर्कल लाइन जो कहते हैं टू पोल्स के बिटवीन बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, बनाई गई है, उसको क्या बोलते हैं इक्वेटर, उसको क्या बोलते हैं हम इक्वेटर बोलते हैं, मीन भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं उसको, भूमध्य रेखा, जो टू पोल्स के बीच में से जाती है उसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। और अर्थ को टू पार्ट, इक्वल टू पार्ट्स में, बराबर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हाफ पार्ट को बोलते हैं हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और जो दूसरा पार्ट है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर। उत्तर पार्ट और दक्षिण पार्ट। द वर्ड हेम और हेमी का मीन होता है हाफ। नेक्स्ट है लेटीट्यूड, फर्स्ट है लेटीट्यूड। द सर्कुलर लाइन्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड। कहते हैं जो ग्लोब पे ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व तो पश्चिम की तरफ, कहते हैं जो ग्लोब में लाइन्स लगाई गई होती है सर्कुलर लाइन्स, वृत्ताकार लाइन्स, उसको क्या बोलते हैं लेटीट्यूड, मीन अक्षांश। द लाइन्स रन पैरल टू ईच अदर राउंड द ग्लोब। पैरल लाइन्स होती है, पैरल मीन समांतर रेखा, जो एक जगह से दूसरी जगह ग्लोब में खींची गई होती है। दे आर कॉल्ड पैरल्स ऑफ लेटीट्यूड, मीन समांतर रेखा। दे नेवर कट फ्रॉम ईच अदर, जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। ईच कम्प्लीट लाइन ऑफ लेटीट्यूड इज अ सर्कल, और जो रेक लाइन जो इस लेटीट्यूड को कम्प्लीट करती है उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कल। द इक्वेटर इज द सेंट्रल लाइन ऑफ लेटीट्यूड, भूमध्य रेखा कहाँ होती है लेटीट्यूड में, सेंटर होती है, सेंटर लाइन बोला जाता है इसे।
All the other lines are numbered from this line of reference. They are measured in degree. और इस पे जो सभी lines होती है उसको हम कैसे नापते हैं, measured mean नापना, from degrees, degree के through, 0 degree to 90 degree. The equator is said to be at 0 degree. Equator को कहा क्या है, 0 degree पे होता है. There are 19 degrees of latitude north to equator and 90 degree of latitude south to equator. 90 degree 90 degree होती है south की तरफ और 90 degree कहाँ होता है, north की तरफ. और इसको हम कैसे शो करते हैं, north को हम N से दर्शाते हैं, labeled किया गया था globe पे, और south को S के through. Beside the equator there are some other important latitude. इक्वेटर के अलावा भी कुछ और लाइंस होती है लाइक जो क्या अर्थ को शो करने में हेल्प करती है, क्लाइमेट जोन को. दीज लैटिट्यूड हैव देयर स्पेशल नेम्स, इनके स्पेशल नेम्स होते हैं जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, आर्कटिक सर्कल्स, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉन, इसको कर्क रेखा और मकर रेखा बोलते हैं. इनकी क्या पोजिशन होती है अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ. और जो आर्कटिक सर्कल होता है, एंटार्कटिक सर्कल है, इनकी पोजीशन क्या होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ. पोजीशन सेम होती है नंबरिंग, पर क्या है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन क्या है, चेंज होती है नॉर्थ टू साउथ. नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड मीन देशांतर, ये भी क्या है सेमी सर्कुलर लाइन्स होती है, अर्धगोलाकार लाइन्स होती है ग्लोब पे जो कि नॉर्थ की साइड होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, उनको क्या बोलते हैं लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड. ईच ऑफ देम हैज सेम लेंथ, इनकी सेम लेंथ होती है, ये पैरल्स नहीं होती है, और ये क्या है आपस में टू पोल्स पे मिलती है और कट करती है, और ये कौन सा एंगल बनाती है कट होकर, 30.6 डिग्री का एंगल. सो 30.6 मेरिडियंस कैन बी ड्रोन फॉर कन्वीनियंस, द लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रोन एट द इंटरवल ऑफ 5 डिग्री 15 डिग्री ईच. और ये क्या करती है 30.6 डिग्री का एंगल बनाती है जब ये कट करती है. नेक्स्ट है हमारा लोकेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ अ ग्लोब मीन ग्लोब पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन जगहों का कैसे शो किया गया होता है. ऑन द ग्लोब अ नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज ड्रोन. ग्लोब पे क्या शो किए जाते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीन अक्षांश और दशांतर रेखाएं. दिस इज कॉल्ड ग्रिड, इसको क्या बोला जाता है ग्रिड. द ग्रिड हेल्प्स इन लोकेशन प्लेसेस, ये क्या करती है हमें प्लेसेस को ढूंढने के लिए हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन फाइंड डेली ऑन द ग्लोब, अगर हम ये कहते हैं ग्लोब पे डेली को ढूंढना हो, ग्लोब पे कहाँ होता है शो, कहाँ होता है लैटिट्यूड क्या होता है इसका 29 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड होता है 77 डिग्री ईस्ट क्रॉस. देन वी कैन से दैट पोजीशन ऑफ डेली एट ग्लोब इज 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट. तो क्या डेली की क्या पोजीशन है ग्लोब पे, 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट. तो ये क्या था आज हमारा लेसन ग्लोब के बारे में, अर्थ के मॉडल के बारे में, इसमें क्या है अर्थ को शो किया गया है, क्योंकि ऐसे तो हम अर्थ की स्टडी नहीं कर सकते पूरी अर्थ की, तो हम ग्लोब की हेल्प से कर सकते हैं. इसमें क्या है ग्लोब में क्या है डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के बारे में बताया गया है कि कैसे हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं. इट्स लाइंस आर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, लैंगिट्यूड, देशांतर, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर के बारे में बताया गया है, पैरल्स लाइंस होती है, कैसे ये आपस में कट करती है, और इससे क्या है हम कुछ भी क्या है किसी भी प्लेस का लोकेशन पता कर सकते हैं. और ग्लोब पे क्या शो किया गया है, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, ओशंस, महासागर शो किए गया है. हम पूरी अर्थ की स्टडी कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोब. सो यू ऑल रीड दिस लेसन एट होम, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. थैंक यू.